मुख्यमंत्री जी ने भी कहा पिछले कांग्रेस ने थोड़ा प्लानिंग से हमारे क्षेत्र को खराब करने की कोशिश की थी, जातिवाद का जहर घोला था और निश्चित तौर पर हमारे लिए भी ये चुनौती थी कि पिछली बार जिस तरीके से गड्ढा किया गया उस गड्ढे को भर पाना हमारे लिए मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनौती होती है उसको तो हमको चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। परिवारवाद का विषय होता तो मेरे पिता 2006 में अध्यक्ष थे, वो चाहते उसी समय लड़ा देते, पर ऐसा तो नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडरविस्ट पार्टी है और निश्चित तौर पर जो काम करेगा काम करता है तो निश्चित तौर पर पार्टी उसको आगे बढ़ाती है, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे सत्ता की बात हो। और मैं आशान्वित हूँ कि पार्टी निश्चित तौर पर हम सबको युवाओं को मौका या संगठन में दे, कहीं भी दे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे हमेशा करते रहेंगे। हमारे के सपोर्टर देवेंद्र प्रताप सिंह, रामू भैया, किस तरीके से आपने पूरी कमान संभाली, जिस तरह की तैयारियों की आपकी युवा टीम ने, कैसा लग रहा है आप? ग्वालियर निश्चित तौर पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कर्मस्थली है, अटल जी की कर्मस्थली है और आज यहाँ का युवा बहुत गौरवशाली अपने आप को महसूस कर रहा है कि आज प्रदेश का राष्ट्रपति की बैठक संपन्न हुई और जैसा माहौल आपके सामने नज़र आ रहा है, अमित शाह जी के जोरदार मार्गदर्शन को हम सब ने प्राप्त किया है और उन्होंने हमसे आश्वासन लिया है कार्यकर्ताओं से कि हम यहाँ मध्य प्रदेश की लगभग 150 से ज़्यादा विधानसभाओं में विधायकों को जिताकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँचाएंगे। कहीं ना कहीं कार्य समिति का एकदम अर्जेंट में आया और कम समय में, कैसा लग रहा था उस समय कि आयोजन कैसे तैयारियां होंगी? निश्चित तौर पर जब कोई इतना बड़ा आयोजन होता है और दिल्ली बॉम्बे और बड़े शहरों की बात अलग होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, ग्वालियर हमारा अच्छा शहर है इसमें कोई दो राय नहीं, पर व्यवस्थाओं की दृष्टि से जुटाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष और हमारे सभी जितने युवा कार्यकर्ता हैं, चाहे वो वरिष्ठ हों, उन सब ने पूरा मनोयोग से काम किया और आप देखेंगे जबरदस्त कार्य समिति की बैठक। कितने रजिस्ट्रेशन हो गए थे आपको? तो लगभग 2000 के आसपास कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से आए थे, उनका पंजीयन हुआ, उनका नाश्ता हुआ, भोजन हुआ और जबरदस्त तरीके से मार्गदर्शन। 2018 में कहीं ना कहीं ग्वालियर ही पूरा अंचल चंबल गड्ढा रहा था भाजपा के लिए, अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए पिछली बार माननीय अमित शाह जी ने और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा पिछली बार कांग्रेस ने थोड़ा प्लानिंग से हमारे क्षेत्र को खराब करने की कोशिश की थी, जातिवाद का जहर घोला था और निश्चित तौर पर हमारे लिए भी ये चुनौती थी कि पिछली बार जिस तरीके से गड्ढा किया गया उस गड्ढे को भर पाना हमारे लिए मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो चुनौती होती है उसको तो हमको चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। लेकिन इस बार सारे कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से इनको गाइड किया गया, निर्देश दिए गए कि कोई भी अफवाह ना फैले, हम सब मनोयोग से जुट जाएँ। और 2018 में जो हुआ वो छोटा सा था, मात्र 7-8 सीटों का अंतर था सरकार में को लेकर, लेकिन जो 3 बार हमने सरकार बनाई है, 3 बार 2003 में, 8 में, 13 में लगातार सरकार बनाई, उनको भी हमें याद रखना चाहिए। छोटी मोटी हार अगर हो गई है तो उससे हम नीचे नहीं आते, हमने देखा उपचुनाव में हम लोगों ने फिर से जीत हासिल की और हम सब कार्यकर्ता आशान्वित हैं कि जो 2023 के नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में फिर से बनेगी। और साथ में अमित शाह जी ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को भी जिताकर भेजें और साथ में 2024 का चुनाव होगा तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दोबारा फिर से हम इस देश की कमान सौंपें। कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में गेम चेंजर माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके देखते हुए जो ग्वालियर में ये कार्य समिति की बैठक हुई है तो इस अंचल के लिए ये भी एक गेम चेंजर होगी जो लास्ट चुनाव समिति है इस चुनाव की? मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव तो अपने आप में हमेशा चुनौती होते हैं, लेकिन चाहे लाडली बहना योजना की बात की जाए या आज कार्य समिति की बात की जाए, अगर लाडली बहना की बात की जाएगी तो मुझे खुशी है कि एक घर में चौका चूल्हा बर्तन करने वाली हमारी बहन को माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार 1000 रुपये दे रही है और उसके लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से उनके 12000 रुपये उनके खातों में हर साल पहुँचते हैं, 6000 रुपये, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6, मतलब टोटल 12, 1000 रुपये बहना के माध्यम से ऐसे करके योजना को जोड़ेंगे तो 3000 रुपये, 2500 से 3000 रुपये तो महिला को या किसी किसी रूप में सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कार्य समिति की बात करें तो निश्चित तौर पर ये हम सब युवाओं में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में इस बैठक ने जोश भरने का काम किया है और कार्यकर्ता अपने मिशन पर आज से लग गया है। एक और अंतिम सवाल है देवेंद्र जी कि कल भी नरेंद्र सिंह जी ने एक नई परिवारवाद की परिभाषा भी दी, वो जो 39 टिकट हुए हैं उनमें भी परिवार वालों को टिकट मिले हैं,
तो आप भी कहीं ना कहीं चुनाव की इच्छा रखते हैं तो कहीं ना कहीं शांति मिली है इस जो लोगों को, परिवार के लोगों को टिकट मिल रहे हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए मैं ऐसा नहीं मानता, अगर परिवारवाद का विषय होता तो मेरे पिता 2006 में अध्यक्ष थे, वो चाहते उसी समय लड़ा देते, पर ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडरविस्ट पार्टी है और निश्चित तौर पर जो काम करेगा, काम करता है तो निश्चित तौर पर पार्टी उसको आगे बढ़ाती है, चाहे वो संगठन की बात हो चाहे सत्ता की बात हो। और मैं आशान्वित हूँ कि पार्टी निश्चित तौर पर हम सबको, युवाओं को मौका या संगठन में दे, कहीं भी दे, हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं इस पूरी कार्य समिति से आशान्वित हैं और पार्टी संगठन जहां भी काम देगी, संगठन में देगी, जो भी काम भी देंगे वो शहर से उसको स्वीकार करेंगे। सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।